हरियाणा के सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला आरक्षण बिल को महत्वपूर्ण करार दिया है। हरियाणा के संदर्भ में महिला आरक्षण बिल के महत्व का जिक्र करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कई बातें कही। विधेयक पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं सिरसा हरियाणा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी, ये महत्वपूर्ण विधेयक है, लोकसभा के बाद राज्यसभा और कई मायनों में ये ऐतिहासिक भी, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। देखिए, 27 साल से जो है जिसका इंतज़ार पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को था, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो बिल जो है कल लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में जो है उस पर जो है पास हो रहा है। और जो है इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो उनको धन्यवाद करना चाहती हैं, क्योंकि ये 27 साल से जिस तरह से कभी लोकसभा में आता था, कभी राज्यसभा में आता था, कभी टेबल होता था उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती थी, कभी एक जो है हाउस में पास होता था दूसरे हाउस में रह जाता था, तो इसका एक मजाक बना हुआ था। लेकिन आप जिस तरह से ये लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह पर पास हो रहा है, और खासकर आप ये देखिए कि लोकसभा में 454 जो है वो इसमें जो हमारे सांसद हैं सबने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें मतदान किया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एक नई सुबह जो है वो हमारी सभी जो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं उनके लिए आई है, और ये सबके सब उनकी 33% भागीदारी जो है वो लोकसभा में भी और इसके साथ साथ जो विधानसभा हैं सभी राज्यों की वहाँ पर भी उनकी भागीदारी होने वाली है। लेकिन ये देरी हो रही है, वक्त लगेगा इसको लेकर, परिसीमन डिलिमिटेशन इस पर सवाल उठाए गए हैं, ओबीसी कोटे की मांग की गई है। देखिए, ओबीसी कोटा जो है अगर हाल फिलहाल की भी बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर 3 कैटेगरी के जो है वो सांसद हैं, जनरल कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी के। ओबीसी जो है अभी भी प्रावधान जो है वो नहीं है उसमें, तो ऐसे उसमें जो है मुझे लगता है कि ये सवाल ही बेमानी है, तो इसलिए जो है सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है। और बाकी आने वाले समय में सेंसस होने के बाद, परिसीमन होने के बाद जो है वो उसके बाद ये विधेयक जो है ये बिल ये लागू होगा और महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो मिलेगा। आपके राज्य हरियाणा की बात करें तो क्या प्रभाव डालेगा ये महिला आरक्षण विधेयक, खासतौर से हरियाणा में बात होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से शुरुआत जिसकी की थी, और उसका इतना ज़बरदस्त असर हुआ कि हरियाणा के अंदर तो जो है वो 872 के करीब जो रेशो था वो बढ़कर 931 के करीब हो गया। इतना ज़बरदस्त जो है उसके अंदर आपने जो है वो उछाल देखा। तो मुझे लगता है कि ये हमारी हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो बहुत जागरूक हैं और इस बिल का उनको बहुत लाभ मिलने वाला है, और बहुत सी महिलाएँ जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी इसमें, और जो भी काबिल महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि वो जनसेवा कर सकें तो उन सब का प्रतिनिधित्व जो है वो लोकसभा में भी होगा और इसके साथ साथ विधानसभा में भी होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और महिला आरक्षण विधेयक पर हरियाणा सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल काफ़ी उम्मीदें जता रही थी। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।